फ्रेंड्स मैंने ये मंगाया था मीशो से बैंगल बॉक्स। तो ये देखे, यहाँ से ये कवरिंग इसकी फटी हुई है, ठीक है, और ये भी यहाँ से भी ये टूटा हुआ है। देखे ये वाला मिला था ये ऐसे, ये ऐसा ही मिला था, है ना। और इसको खोलने के बाद ये देखो, ये बिल्कुल भी यहाँ पे, या तो इधर से जाएगा तो ये छोटा है साइज, ठीक है, और ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उसमें जुड़ रहा है। आपने रिटर्न क्यों नहीं किया? तो रिटर्न इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी पॉलिसी पता ही नहीं थी ना। अच्छा, रिटर्न नहीं कर हाँ, सकते? रिटर्न नहीं कर सकते, पता नहीं क्या था उसका, है ना। एक तो, और ये मतलब ऐसा बहुत सस्ता भी नहीं था, आई थिंक 400-800 के आसपास था, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा मिल जाए। है ना। तो मैंने एक फ्रेंड, और देखो ये एक साइड लगाया है और इन्होंने दूसरे साइड सपोर्ट नहीं दिया है, हाँ, वो टूट गया तो और फिर टूट इवन गया। इनफैक्ट देखो यहाँ पे भी ये टूटा है ना, ये भी टूटा है और ये पार्ट भी टूटा है। तो मतलब आप अगर ऐसी चीजें देते हो फर्स्ट उसमें, तो सोचो कितना लॉक मैं भी नहीं ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ये लिए। हाँ, दूसरा ये देखो, ये ना ये इधर होना चाहिए कि इसको यहाँ पे लॉक कर सके, है ना, लेकिन ये चीज इसके ये ऐसे आ रही है तो इसमें ये बैठ ही नहीं रहा है ना इसका ये। ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ ये आपकी चूड़ियों की कलेक्शन है? हाँ मैं देख, हाँ इस बार मैं जो चूड़ियाँ लेके आई थी वो लेके आई थी, मैंने कुछ सूट्स लिए थे अपने, है ना, तो वो लिए, एक ये ब्लैक चूड़ियाँ लेके आई थी। मल्टी कलर होता है ना, कि येलो रेड, येलो कलर अच्छा लगता है, येलो मेरा फेवरेट भी है, ये लिया था मैंने। ये पता नहीं रेगुलर मैं, मुझे हार्डली किसी ने देखा होगा कि मैं व्लॉग में चूड़ियाँ पहनती हूँ, पर अभी मुझे पहनी है आपने? हाँ ये भी तभी वहीं से मैंने, ली थी? नहीं, ये मैंने मिली थी तो मैंने कहा चलो अब पहनना शुरू करें, है ना। ये भी मैंने लखनऊ से ली, तो लखनऊ का ये मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था लखनऊ से। और क्या था, एक ये उसने बोला था ना, ये मल्टी कलर चूड़ियां हैं, ये सब पे अच्छी लगेंगी, ये देखो ये ना इस टाइप से कैसी लग रही है। एकदम वो नई नई शादीशुदा होते हैं ना, नहीं, वैसे साड़ियों पे तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लग रहा है। ब्राइट हाँ साड़ियों पे तो पॉप फिर ऑफ कलर है। करेक्ट, उसने भी यही कहा कि ये सब पे चल जाएगा, तो ठीक है ना। और मैंने एक फंक्शन था लखनऊ में तो वो मैंने अटेंड किया था, तो वहां के लिए मैंने ये लिया था, बैंगल सेट बनवाया था, जो जिसे मैंने शायद ब्लैक और वो शॉर्ट्स में सारा डाला भी था ना, ये साड़ी के साथ ये वाला अच्छा कैसा लग रहा लग है। रहा है, देखो थोड़ा लाइट में दिखो। दिख रहा है सुंदर है। और पता है मैंने जो चिकन के सूट लिए थे, पहली बार मैंने सोचा कि मतलब चिकन एक बहुत अपने में ना सिंपल होता है, तो सिंपल सिंपलिसिटी को कैसे पॉपअप कर सकते हैं, तो मैंने उसमें चिकन के सूट के लिए भी मैचिंग मैंने चूड़ियाँ ली थी। और मुझे लगा मैं छः छः लेती हूँ, तो उसने बोला नहीं, एक दर्जन तो आप लीजिए ही लीजिए, तो एक मतलब होता है टूट ना, जाए कुछ हो जाए। ये नहीं टूटने वाली नहीं है, शायद मेटल है ना। ये स्काई ब्लू लिया था, पता नहीं अभी मुझे ग्रे कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, काफी टाइम ग्रे, से हाँ ग्रे सूट भी है ना मेरा, एक ग्रे चिकन, एक ये मैंने ग्रे लिया था। गाइस कमेंट करके बताना अगर आपको इनके चिकन सूट का वो देखना है, कलेक्शन बहुत बड़ा है। ये पिंक ली थी मैंने, तो मैं सोच रही हूँ ये ग्रे वाला ले लूँ। मम्मी को तो क्या ही चाहिए होगा, है ना मम्मी? लगता है मैं दूंगी। अच्छा मैंने पता है एक अरसे के बाद, मेरे ख्याल से मैंने ग्रेजुएशन में मरून कलर का सूट लिया था, इस बार मैंने फिर एक बार मतलब आई थिंक बहुत बहुत, अब बताना नहीं चाहती कितने साल हो गए, बट मैंने उसके बाद ये मरून कलर की चूड़ियां ली है, और मरून कलर की एक कुर्ती भी ली है मैंने, और ऑफ वाइट मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ऑफ वाइट इतनी सारी चूड़ियां हैं। देखो बेटी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ऑफ वाइट इतना ज्यादा कलेक्शन है, देखो ये भी ऑफ वाइट है ना, ये भी है। ये भी वाइट में आता है, यहाँ पे ये है ऑफ वाइट, है ना, ये मुझे पता ही नहीं था मेरे पास इतना कलेक्शन है ऑफ वाइट का, इसलिए मैंने ये ऑफ वाइट चूड़ियां भी ली। मैं ज्यादातर ऑफ वाइट पहनती हूँ ना बेटी, ये
ये अभी पहन लो। हाँ ब्लू और व्हाइट का कॉम्बो करते। हाँ वही मेरे को लगा कि ना कॉम्बिनेशन में आप वो कर सकते हो, पहन सकते हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन के मैंने कुर्तियाँ ली हैं, है ना, और कई कॉम्बिनेशन मुझे मिले नहीं, तो मुझे लगा मैं यहाँ पे जो फेयर लगेगा वहां पे तब ले लूंगी। ये अच्छा लग रहा है बेटी, अनोइंगली मतलब ये अच्छा लग रहा है ना कॉम्बिनेशन, ऑरेंज एंड ग्रीन अच्छा लगता है, ऑरेंज और ग्रीन फ्लैग में। हाँ करेक्ट, वो है ऑरेंज बीच। बैंगल्स कैसी लग रही है बेटी? अच्छी लग रही है, सिंपल सी। सिंपल सी ना, और ये चिकन के साथ जाएंगे भी, मतलब बहुत चमक चमक भी नहीं लगेगा और बहुत वो भी नहीं लगेगा। काफी ले ली है, खेल खेल में वही लग नहीं रही थी इतनी। ये है मरून। तो ये बैंगल्स की मेरी शॉपिंग थी। झुमके उमके भी लाई हो वो, सुना मैंने। हाँ वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको अरेंज कैसे करूँ, तो रेगुलर वेयर में जो मैं पहनूंगी वो कौन से मुझे लगता है इनमें रख लो। पहले उसको उसमें ही रखती हो ना, वो वाला मुझे उसमें आप ऐसे डाल दो। अच्छा, ज्यादा ये याद है बेटी जब हम लोग शादी में गए थे, तो ये ऑरेंज सेम है नहीं ना, एक डार्क है एक लाइट है? नहीं सेम है। तुम्हें मेरे को ऑरेंज मिला था तो मैंने तुमको सजेस्ट किया था बेटी तुम भी ऑरेंज लेना, तो दोनों हाथ के एक जैसे हो जाएंगे, है ना। बट आई थिंक ये नहीं मिट्टी, ये डार्क है ये लाइट है, देख नहीं रहा दूर से। हाँ है ना, इतना हम लोगों ने कैलकुलेशन किया फिर भी डार्क लाइट हो गया, नहीं क्या क्या फर्क पड़ता है। और ये हमारे यहाँ मिट्टी की चूड़ियां थी, याद है मिट्टी तुम्हारी लहंगे के लिए ली गई थी चूड़ियां, मम्मी ने ले ली। ले कुछ नहीं ली मैं, मम्मी मेरे लिए कुछ लेती ही इस उस पे है कि मिट्टी फिर तुम मुझे दे देना। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, दादी ने। अच्छा तो ये ओवल कैसे हो गया? दादी ने दिया था, हो गया ना टाइम के साथ साथ, तो थोड़ा घुसेगा। यस ये एक ही है पर नहीं, एक टूट गया था। और ये ना मैंने वहां से लिए थे कोलकाता से, स्पेंसर से लिए थे। स्पेंसर से नहीं लिए थे, लोकल मार्केट से। नहीं नहीं स्पेंसर से थे, लोकल मार्केट से मैंने ये वाले लिए थे, ये वाले। अच्छा ये स्पेंसर से लिए थे, कोलकाता में अच्छे मिलते थे ये, प्यारे लगते हैं। देखो ये ना एक साथ पहन लो कितना प्यारा लगता है कॉम्बिनेशन, है ना, स्मार्ट लगता है। तो आज ये खजाना मैं अपना संभाल के रखूंगी। तो मिट्टी थोड़ा मुझे सजेशंस दो कि मैं कैसे रखूं। इतने सारी चूड़ियां तो कैसे ही रखेगा इंसान, है ना। पहले तो इसका सेट बनाना पड़ेगा। सेट नहीं मैं सोच रही हूँ क्या कि पहले वो करना पड़ेगा ना कि कौन सी किसके साथ है, क्या है ये सब बिखरी बिखरी है। हा? सारी बिखरी बिखरी नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे ये गोल्डन है ना, तो ये गोल्डन का कलेक्शन एक साथ रख लूँ, ठीक है। ये जैसे ऑफ व्हाइट बात ये है ना कि मतलब देखना पड़ेगा ना कैसे, पहले वही तो बोल रहे सेट बनाने पड़ेंगे। सेट तो बहुत अलग चीज है, जैसे जो जो चूड़ियां एक जैसी हैं उनको एक साथ वो करना पड़ेगा, फिर रखोगी ना सबको। हाँ करेक्ट, तो वो कह रही हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद। कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं है बट इट्स फाइन। पर ये है ना कि आप इसके साथ कई चीजें वो कर सकते हो ना, जैसे साड़ियों में कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो कभी ऑफ व्हाइट के साथ आप पिंक, तो एक साथ ऐसे करो एस्थेटिक लगता है है ना। और ये मैंने चिकन के सूट्स की एक साथ रखी है, रेगुलर रहेगा तो रेगुलर रहेगा। और ये वाली जो मेरी साड़ी की है वो एक साथ रखी है मैंने। और एक चीज और दिखानी थी मैंने, मम्मी आप तो छुप गई हैं।
आप तो छिप गई। छिप नहीं गई बेटा। ऐसा क्या है अलमारी में छुपा के रखा आपने? जब चूड़ियों की बात ही चल रही है ना तो मैं, इनमें से दो तीन तो मेरी ही हैं। गाइज मेरा सामान है ये, मैं शादियों में अपने लिए लेती थी। जिसकी भी है ठीक है, या ये आपकी है? जिसकी भी है ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं अलग रखती हूँ। शादियों वाला मटेरियल है, ये बहुत केयर मांगता है ठीक है। अच्छा वो ग्रीन चूड़ियाँ जो मैं बोल रही थी ना मिट्टी, वो तुम्हारी इसकी नहीं, वो ऐसी नहीं थी, इसी की चूड़ियाँ, सुंदर चूड़ियाँ थी उसकी। नहीं तो और कहीं है भी नहीं ना वो? नहीं नहीं, मेरी बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी उसकी। आपने मिक्स कर ली क्या? हाँ मिक्स कर ली अभी तो मैंने, उस दिन मैं गई थी ना तो मैंने कहा कौन सी पहनूं क्या लूं, है ना, खरीदी तो नहीं थी। और कहाँ गई? यस ये है मेरी, शादी में पहनी थी नीचे। ऐसे मेरी भी है एक, ये वाला कंगन कितना प्यारा है। ये आपका वाला है या मेरा वाला है? तुम्हारा कुछ भी नहीं बेटा, सब मेरा वाला ही है। ये सब मत करो, लहंगे वाले मेरे, आपने सारे मिक्स कर दिए। आपने मांग टीका भी लिया था, ये तो मेरे हैं। ये तो तुम्हारे, जो इतने हैवी तो मैं पहन भी नहीं सकती है ना। देखो लेट मी शो एवरीवन, इतना भारी झुमके पहने थे मैंने 12th क्लास में शादी में, भारी थे ये, काफी हैं भारी। मैं तो रिस्क भी नहीं ले सकती, ये कान ही नीचे आ जाएंगे, इतने भारी लेने भी नहीं चाहिए। अच्छे लगते जब आप गले में कुछ ना पहन रहे हो। तो बस इयररिंग्स मैं कल दिखाऊंगी है ना, बस इतनी है? इयररिंग्स तो बहुत है, वो कलेक्शन बाद का, आप यूज ही नहीं देते तो दिखाने का क्या फायदा जब लोग देख ही नहीं रहे। हाँ, उसके बाद अब अगर अब अगर अब अगर 200 व्यूज आए 300 व्यूज आए तो फिर भी इंसान सोचे। हाँ। लाइक्स कितने आते हैं पता ही नहीं, अब 100 लाइक्स आए तो सोचे इंसान अपना ऐसे दिखाए कि वो क्या कहते हैं कलेक्शन वगैरह चूड़ियाँ और उसका भाई व्यूज भाई भाई व्हाट इज न्यू है ना ठीक है। अब तब दिखाएं जब लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए व्यूज वगैरह आए। मेरे व्लॉग्स को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, नहीं तो कंटेंट अच्छा नहीं आएगा। घिसा पिटा कंटेंट कौन सा आएगा फिर अगर देखना ही नहीं लोगों को तो हम मेहनत क्यों करें है ना। और तो फ्रेंड्स आज का काम काफ़ी हो गया और होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।